नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवाब अहमद अपने इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार शिक्षा विभाग के चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के रूप में समायोजन करने के फैसले के सालों बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं मिलने से अनुदेशकों का गुस्सा फूट पड़ा और वो गोपालगंज के शिक्षा विभाग के कैंपस में आमरण अनशन पर बैठ गए तथा यह मांग करने लगे कि जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता तब तक वे अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गोपालगंज। का और कहाँ बैठे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों के? हमारा नाम रमाकांत सिंह है। हम लोगों को जो है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समायोजन चतुर्थ वर्ग में करने के लिए जो है 2016 में आदेश निर्गत किया गया और 2/8/2019 में हम लोगों का जो है पोस्टिंग शिक्षा विभाग गोपालगंज में कर दिया गया। हम लोगों का काउंसलिंग भी करा लिया गया इस विभाग में और आज तक जो है हम लोगों का समायोजन नहीं किया गया, हम लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। दौड़ते दौड़ते हम लोग थक गए। 10 माह से हम लोग दौड़ रहे हैं। यहाँ के पदाधिकारी सब कह रहे हैं कि कल दे देंगे, परसों दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, लेकिन आज तक जो हम लोगों को जो है नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया और परेशान किया जा रहा है। हमारा नाम राम किशोर राम है। हम सभी लोग अनौपचारिक शिक्षा के अनुदेशक हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बिहार सरकार को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के पद पर हम लोगों की नियुक्ति करनी है। सरकार के द्वारा 2 अगस्त 2019 को चिट्ठी यहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा हम लोग को काउंसलिंग भी करा ली गई है। सारे कागजात जो है सो कि सरकार के द्वारा यहाँ पर उपलब्ध करा दिए गए हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय किरानी और प्रशासन के लापरवाही से हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है, जबकि हम लोग भुखमरी के शिकार हैं, कोई दूसरा काम भी नहीं कर पा रहे हैं। लॉकडाउन को लेकर के जो है सो हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं दे रहे थे। यहाँ पर हम लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे थे, प्रतिदिन आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। लास्ट में हम लोग जो है सो कि यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जब तक हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, तब तक।